रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10 का टेबल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहते हैं ज़र्ब करने को, चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि तजारत करनी है तो अल्लाह के साथ करो, जो तुम्हें हर तरह के नफ़ा से नवाजेगा। क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जो तजारत करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता। जो कायनात का मालिक है वाला, उसके साथ तजारत करके कोई घाटे में रह सकता है? क्योंकि वो 100 से 700 गुना तक वापस करता है। लेकिन शर्त यह है कि नियत खालस होनी चाहिए, सच अपने साथ सच्चा होना चाहिए, अल्लाह के साथ सच्चा होना चाहिए। तो वो तरीके हमें कैसे पता चलेंगे जो हमें इतना ज्यादा नफा दें? वो तरीके हमें कुरान को तर्जमे से पढ़ने से पता चलेंगे। कुरान हदायत के लिए आया है, हम उर्दू जुबान समझते हैं तो हमें उर्दू में इसको पढ़ना चाहिए। तो आज हम अपने प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। आपको पता है कि 10 का टेबल जो है वो बहुत आसान है। आप 100 तक गिनती गिनें और देखें, पहला 10 जो आता है उसमें 10 = 1, 10 × 1 = 10, 2 × 10 = 20, 3 × 10 = 30। तो ये जितनी जितनी दफ़ा 10 रिपीट होगा उतना नंबर आप लगा दें। और 10 × 4 = 40, तो आप देखें कि आप जहाँ जहाँ पे 10 रिपीट हुआ है, 5 × 10 = 50, यानी 10 को 5 दफ़ा काउंट करें तो 50 आएगा। 10 × 6 = 60, 10 को 6 दफ़ा रिपीट करें तो 60 आएगा। 10 × 7 = 70, और उसके बाद आप फिर 10 और काउंट करें 70 में तो 8 × 10 = 80, और 9 × 10 = 90, शाबाश। और 10 × 10 = 90 में 10 और प्लस करें तो क्या आएगा हमारे पास? 100। तो ये बहुत ही आसान टेबल है, और इसको ये आप नीचे ऊपर टाइम्स है, नीचे 10 है, तो 1, 10 और 100 तक आपका टेबल पूरा हो गया। नेक्स्ट मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि 10 × 10 × 4 = आप ये देखें, इसमें सोच के जवाब लिखें इसका। यहाँ पे वीडियो रोक लें और 10 × 10 × 4 = शाबाश, गुड, 40। आपने देखा कि ये 4 पे रिपीट हो रहा है, तो हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ नंबर पे 10 जहाँ पे रिपीट हो रहा है और वो वहाँ पे 40 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 10 × 4 = 40। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और शेयर करें।